सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वाल। अडानी ग्रुप का वड्डा फैसला, FPO नूं कीता रद्द, निवेशकों के पैसे करनगे वापस। पटियाला जेल चो छेती ही उडारी भरनगे सिद्धू, फैसले ते अज ही लग सकती है मोर, पहला 26 जनवरी नूं होनी सी रिहाई। बर्फबारी वेखण गए ते नौजवानां नाल वापरिया हादसा, डलहौजी आए एक नौजवान की कमरे च दम घुटन कारण हुई मौत, दूजे साथियों नूं बेहोशी की हालत हस्पताल कराया गया भर्ती। अडानी समूह ने अपने FPO नूं लैके एक वड्डा फैसला लिया। अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि वह FPO नूं रद्द कर रहे हैं, इस दे नाल ही निवेशकों के पैसे वापस करन दी गल भी सामने आई है। अडानी एंटरप्राइजेज ने एक प्रेस बयान जारी करके जानकारी दी है, जिस किया गया कि अपना 20,000 करोड़ रुपए का FPO वापस ले रहा है, निवेशकों जल्द ही पैसा वापस कर दिया जाएगा। तुहानू दस दिए कि 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ जुटाने लिए FPO जारी किया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबका प्रधान ते तेज तरार नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि एक मामले में एक साल की सज़ा पटियाला जेल च कट रहे हैं, उन्हां दी रिहाई भावें 26 जनवरी नूं होण दीआं क्यास राईआं सन, पर किसी कारण अजिहा नहीं हो सकिया। हुण भरोसेयोग सूत्रां ने दस्सिया कि पंजाब की भगवंत मान सरकार 3 फरवरी नूं मीटिंग विच पंजाब की जेल चों रिहा होण वाले 51 कैदियों की सूची नूं हरी झंडी देण जा रही है, जिस विच नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी दर्ज है। जेकर 3 फरवरी नूं सरकार वालों मीटिंग विच हरी झंडी मिल गई तो नवजोत सिद्धू आउंदे हफ्ते पटियाला की केंद्रीय जेल तो रिहा होकर उडारी भरनगे, तो उन्हां दे हमायती कांग्रेसी नेता सिद्धू की रिहाई से ढोल ढमका करनगे। जिक्र खास है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं 65 साल के एक व्यक्ति नूं जान बुझ के सट्टा मारन का दोषी करार दिता सी, ते कोर्ट ने सिद्धू की जेल की सजा से रोक ला दी सी, ते उन्हां नूं 1,000 रुपये जुर्माना लाया सी। पंजाब तो डलहौजी आए 3 नौजवानों चो एक दी कमरे विच दम घुटन कारण मौत हो गई, जदों कि दूजे साथी नूं बेहोशी की हालत विच नागरिक हस्पताल डलहौजी पहुंचाया गया, जिथे उसका इलाज किया जा रहा है। डलहौजी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने तो बाद लाश परिवार को सौंप दी है, तो मामला दर्ज कर अगलेरी जांच शुरू की है। घटना की सूचना मिलने से पुलिस ने हस्पताल पहुंच के लाश को कब्जे में लेके जांच प्रक्रिया शुरू की है। SP चंबा अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की। बिहार च इंटरमीडिएट की प्रीख्या के पहले दिन नालंदा के प्रीख्या हाल च एक प्रीख्यार्थी बेहोश होकर डिग पिया। प्रीख्या केंद्र से तैनात सुरक्षा मुलाजमान वालों उसनू हस्पताल पहुंचाया गया, जिथे मुढ़ली सहायता तो बाद उसकी हालत नॉर्मल हुई। यह मामला ब्रिलियन कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल का है। प्रीख्यार्थी के बेहोश होने का कारण लड़कियां सन। दरअसल प्रीख्या केंद्र च होई कल्ला लड़का सी, बाकी सारी लड़कियां सन। इन्नी वड्डी गिनती विच लड़कियां विचाले खुद नू इकला देख के प्रीख्यार्थी बेहोश होकर डिग गया। प्रीख्यार्थी मनीष शंकर सचिदानंद प्रसाद का बेटा दस्या जा रहा है। असल च अलामा इकबाल कॉलेज पढ़ते विद्यार्थी मनीष शंकर का प्रीख्या केंद्र ब्रिलियट कॉन्वेंट स्कूल सुंदरगढ़ से। मनीष के परिवार का कहना है कि जिमें हाल में दाखिल होया तो उत्थे सिर्फ लड़कियां सन। 500 कुड़ियों चो मनीष इकलौता इम्तिहान देने वाला सी, अजिहे चिन्ह कुड़ियों चो एक लड़के के बैठन कारण अजिही घटना वापरी है। फिलहाल उसनू इलाज लिए हस्पताल दाखिल करवाया गया। मिस्र की राजधानी काहिरा के एक हस्पताल च अग लगन कारण घट्टो घट 3 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग जख्मी हो गए। सेहत अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सेहत मंत्रालय ने दसिया है कि अग पूर्वी काहिरा च मटेरिया के नेड़े स्थित नूर मुहम्मदी हस्पताल च लगी है, जिसनों एक चैरिटेबल संस्था वालों चलाया जाता है। मंत्रालय ने एक बयान च कहा कि हस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग च अग लगी, पर उन्होंने अग लगन के कारणों बारे कोई जानकारी नहीं दी।
गढ़शंकर पुलिस ने दो व्यक्तियों नू चोरी दे दो मोटरसाइकिल ते नशीलियां गोलियां समेत गिरफ्तार किया। इस संबंधी जानकारी देंदे एसएचओ करनैल सिंह ने दसिया कि सब इंस्पैक्टर राकेश कुमार ने पुलिस पार्टी की सहायता नाल नहर दे पुल नेड़े रावलपिंडी रोड विशेष नाकाबंदी दौरान बिना नंबर मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों नू शक दे आधार ते रोकिया ते तलाशी दौरान दोवां कोलों 500 नशीलियां गोलियां बरामद हुईयां, जिन्हां दी पहचान रिशु ते बलकार सिंह वासी चक गुजरां वजों हुई। पुछगिछ दौरान दोवां ने उक्त मोटरसाइकिल भी चोरी का निकलिया ते इस तों इलावा चोरी का एक होर मोटरसाइकिल भी इन्हां तों बरामद होया। पुलिस ने दोषियों खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सात जनवरी तो चंडीगढ़ बार्डर दियां बरूहां उपर लगे कौमी इंसाफ मोर्चे दे पक्के मोर्चे नू किसान आगुआं दी पूरी हमायत मिल रही है, जिथे पंजाब तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे 4000 किसानां दा जत्था मोर्चे विच पुज्जिया। उथे ही हरियाणा तो भी भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम ते शहीद भगत सिंह किसान यूनियन दे किसान ते जाट भाईचारे दा हजारां दी गिनती वाला जत्था पहुंचिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू सुखविंदर सिंह सबरा ने कहा कि सरकारां नू बंदी सिंह रिहा करन दे नाल बेअदबियां गुर साहब दे गुम होए सरूपां ते दैबल कलां ते कोटकपुरा गोलीकांड दे मामलियां दे दोषियों नू सजावां दा हिसाब देना पवेगा। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा लंबा जरूर हो सकता है पर जित जमहूरी हकां दी ही होवेगी। गन्ने की बकाया राशि लैके गन्ना काश्तकारां वालों पिछले लंबे समय तो संघर्ष किया जा रहा है, जिसके चलते गन्ना काश्तकारां वालों वड्डा संघर्ष विढ़ के धूरी मलेरकोटला बाईपास जाम करके धरना देंदे हुए रोस मुजहरा किया गया ते सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इस मौके से गन्ना काश्तकारां संघर्ष कमेटी के चेयरमैन हरजीत सिंह बुगरा ने मीडिया नाल गल करदे कहा कि पिछले सालों के मुताबिक उन्होंने गन्ने की 30 करोड़ बकाया राशि है, पर शुगर मिल गन्ने की पेमेंट दबाने के नाल गन्ना काश्तकारां नूं दबकाउण लगी हुई है। इस मौके गन्ना किसानों ने कहा कि जिन्ना चिर तक उन्होंने गन्ने का बकाया नहीं मिलता उन्होंने संघर्ष जारी रहेगा। जिला मलेरकोटला के हलका अमरगढ़ के पिंड मोरा वाली विच एक गरीब परिवार के बच्चे की पिंड के जिमीदार वालों बेरहमी नाल कुटमार करन दा मामला सामने आया। दरअसल उक्त बच्चा पतंग चुकन लई जिमीदार की फसल भी चलिया गया, जिसनों जिमीदार ने देख लिया। इस तों बाद जिमीदार ने गरीब बच्चे की कुटमार करनी शुरू कर दी ते सारी वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो गई। भाई जगतार हवारा ने जेल विचों वकील दे हाथ कौमी इंसाफ मोर्चे की संगत लई एक संदेश भेजे, जिस विच जगतार हवारा ने सुनेहे विच मोर्चे की संगत नू मुद्दे की गल करन लई किया। उन्हां मोर्चे दे बुलारिया नू मुद्दियां तो भटक के मुद्दा चुकन की गल तो गुरेज करन लई ताड़िया। यह कहना है कि जिहड़े 4 मुद्दे ने सिर्फ वह मुद्दियां ते ही स्टेज दे उपर गल होएगी, मोर्चे का जिहड़ा फोकस है सिर्फ मुद्दियां ते ही रहेगा। जे कोई बाहरों आके जो कोई बुलारा इस तो अलावा कोई भी गल करता उहदी निजी होएगी वह स्टेज वालों अते इस मोर्चे वालों बोली गई नू वह गल नू मोर्चे वालों नहीं बोलिया जाएगा। सो जिहड़ी भी भावना जो बंदा इस स्टेज तो आण के चाहे वह कोई भी होवे, जे वह अपने निजी कोई भी विचार रखता तो वह जिहड़ा विचार ने उहदे निजी होणगे, इस स्टेज नाल उहदा कोई संबंध नहीं होएगा। और उस तो अलावा उन्होंने समूह संगत नूं अते संगत च जो इत्थे इस स्टेज ते पहुँचेगा जो भी बुलारा होएगा, जे बुलार नहीं बोल रहा जां फिर भी इस स्टेज तक पहुँच रहा है, संगत वालों उन्हां वालों संगत नूं ये बेनती की गई है कि उन्हां दा विरोध नहीं किया जाए, क्योंकि गुरु महाराज की हजूरी विच विरोध करना बहुत वड्डा गुनाह है। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा होरां दी कोर्ट दे विच इक तरीक है 31 नंबर FIR 1998 का केस, जिहदा चलान पेश होने तो बाद ट्रायल प्रॉपर शुरू नहीं होया, चार्ज नहीं लग सके और चार्ज उन्हां दी मौजूदगी च लगने है। उहदे संबंधी डिटेल दलशेर सिंह जी दे देणगे, क्योंकि असीं ADGP लॉ एंड ऑर्डर इंटैलीजेंस नूं मिले हाँ।
और उन्होंने असी जिहड़ा हैगा ये बेनती की सी कि उन्होंने 3 तरीक न पंजाब की जिहड़ी पुलिस है क्योंकि जज साहब ने उन्होंने लैके आने लई कहा अदालत पेश करन लई ते वो लैके आउण। ये असी दस दिए कि जेकर वो नहीं लैके आउंदे ते 5 तरीक तो असी जिहड़ा हैगा एक ऐसा एक्शन शुरू करांगे जिहदे नाल मोर्चा दिनों दिन वधेगा ते सरकार दा काफिया तंग होना शुरू होएगा। संसारिक बाजार विच कीमती धातु दीआं कीमतां विच तेजी आउण नाल राष्ट्रीय राजधानी दे सराफा बाजार विच सोने दी कीमत 1090 रुपए वध के 57,942 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी सैशन च सोना 56,852 रुपए प्रति 10 ग्राम ते बंद होया सी ते चांदी भी 1,947 रुपए चढ़ के 69,897 रुपए प्रति किलोग्राम ते बंद हुई सी। पिछले कारोबारी सैशन चांदी 67,950 रुपए प्रति किलोग्राम ते बंद हुई सी। भारत ने न्यूजीलैंड नूं 61 मुकाबले विच बुरे तरीके नाल हराया। सीरीज दे तीजे T20 मुकाबले विच भारत ने न्यूजीलैंड खिलाफ पहला बल्लेबाजी कर दिया 235 दौड़ां दा वड्डा टीचा दिता सी। इस दा पिछा कारण उत्तरी न्यूजीलैंड दी टीम 66 दौड़ां ते ही सिमट के रह गई है। भारतीय टीम वालों हासिल की गई जित T20 क्रिकेट इतिहास की सब तो वड्डी जित है। इस तो पहला भी यह रिकॉर्ड भारत दे नां सी जिसने 2018 विच आयरलैंड नूं 143 दौड़ां दे फर्क नाल हराया सी ते अज भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन सदका अपना ही रिकॉर्ड तोड़िया ते न्यूजीलैंड नूं 168 दौड़ां दे फर्क नाल जित। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे बारे। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़र होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।